हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं रियलमी के स्टोर, क्योंकि अचानक से हमारा प्लानिंग बना कि रियलमी का टीवी हमको लेना है और ये टीवी ये लेने वाले हैं। तो अचानक से प्लानिंग बना तो हम लोग निकल पड़े। और आप लोग अपना ना दे दीजिए, बस देखिए हम और टीवी देखिए कैसा पसंद करती है, स्मार्ट टीवी लेंगे कि नॉर्मल लेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है तो बी स्मार्ट बाई स्मार्ट। अब यहाँ वहाँ जाने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि टीवी का क्वालिटी किस किस क्वालिटी में आता है, कौन कौन किस किस ब्रांड में आता है। अब नहीं, और मेनली कंपेयर करना है कि ऑफलाइन में कम देता है कि ऑनलाइन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं वहीं पे। चलो गाइस चलते हैं, अब मिलते हैं स्टोर पे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तुम्हारे चलिए सब भैया कैसे हैं? आप बताइए भैया, फोन लेने में यही बड़ा मेहनत की है। अरे भैया बोल रहे थे ना कि रियलमी का स्मार्ट टीवी चाहिए था, अभी ऑनलाइन में उसका प्राइस है 10,000 चल रहा है। हाँ, तो वो है क्या आपके पास 32 इंच वाला? मॉडल नंबर बताइए। आप लोगों के पास HDFC का कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? HDFC का नहीं है, ICICI का नहीं होगा। HDFC का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहता है, उधर का 15 रुपया टोटल 10,000 उतना भी मार जाता। हाँ, लेकिन कार्ड नहीं है तो फिर मोटा मोटी 15 रुपए ले सकता है। 13,900 माइनस 15,000 माइनस 15 रुपए मतलब 12,500 आएगा। 12,500 पड़ जाएगा, पता नहीं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। गाइस यही वाला वो टीवी है, अब इसका ये सब देखिए डॉक्यूमेंट खाती है। कुछ कर ऑनलाइन गाइस, अब साउंड क्वालिटी बताना किस तरीके का है। 25 वॉट्स का स्पीकर है। ये बहुत अच्छा चीज किया है रियलमी ने कि आपको घर बैठे सिर्फ 99 रुपया में आपको मतलब आपको घर में आके सर्विस दे रहे हैं आपको। 50-55 और जैसे कोई अगर अलग से ऐड करवाना चाहिए तो वो करवा सकता है ना। हाँ, इसमें तो ऐसे भी 12,000 पड़ जाएगा। 2,000 कहाँ आप
इससे वो बेटर है, एंड्रॉइड वाला 14,500 पड़ेगा, दाम 17,000 है, 14,000 इसका पड़ा हमारा 12,500। हेलो ऑनलाइन थोड़ा प्राइस चेक कर आ रहे हैं फिर से, ठीक है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं क्रोमा के सर्विस सेंटर, वहाँ का टीवी देखने के लिए क्रोमा का, तो अभी चलते हैं वो क्या भाई यार। और क्रोमा का सर्विस सेंटर है भगत सिंह मोड़ में, तो वहाँ चलते हैं। और भाई हालत जस्ट हम लोग ट्यूशन से निकले यार, देख लो गाइस मैं चप्पल में आ गया हूँ, वहाँ चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके क्रोमा के ऑथराइज स्टोर पे, मेड इन इंडिया कंपनी क्रोमा। हाँ वो देख सकते हो रोड टू साइड है, यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर नहीं होता है। आ जाओ बोलो, चलो आप तो पार करते हैं रोड और चलते हैं क्रोमा के स्टोर के अंदर। ये है क्रोमा का ऑथराइज सर्विस स्टोर, सर्विस स्टोर नहीं स्टोर, अरे सर्विस स्टोर नहीं स्टोर, शोरूम लेकिन गाइस एक बात बताऊं, वहां पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं जैसे तैसे वीडियो शूट का किया, आप लोग मैनेज कर लेना। लेकिन एक बात है गाइस, क्रोमा में भले ही सामान बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रहा था, लेकिन गाइस मेरे को सच बताऊं जो वहां सेलर था ना बहुत घटिया आदमी था, सेलर का मेरे को भाई मेरे को पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है यार, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को भाई बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन बंदा अच्छा आप ही बोलो कि कोई अगर सामान लेगा तो घर में या किसी दोस्त से कुछ बात तो करेगा ना भाई कि हम ये चीज ले रहे हैं, तुम बता कैसा है, तो बोल रहा है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये चीज बोली है भाई। मतलब बंदा का मोटिव क्या है कि बंदे के ऊपर चढ़ के भाई उसे खरीदवा लो ये चीज, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ देखो गाइस कंपनी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो सेलर है उसकी गलती है कि वो किस तरीके से अपने कस्टमर से बात कर रहा है, तो मेरे को वो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और विशाल जी से इसके बारे में बात कर लेता है। तो दोनों जगह से हम लोग देख लिए हैं और कहानी का सार ये निकलता है कि ऑनलाइन पे भरोसा करें, ऑनलाइन में कभी आपको गलत चीज नहीं बताएगा। ऑफलाइन के बारे में लोगों का जो एक बना हुआ थॉट कि हाँ ऑफलाइन में पैसा ज्यादा लेता है, तो बोलेगा ज्यादा तो नहीं लेता, बहुत ज्यादा लेता है। एक टीवी का जो है हम प्राइस देखे 9899 यानी 9,899 और दुकान में बोलता है कितना 15,000। पहला बात की आप लोग ना आपको जो तो बोल देगा, आप सोचेगा कि नया टीवी दे रहा है अलग कुछ टीवी दे रहा है, जबकि टीवी वही है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में तो पूरा पूरी झोलबाजी है, ठीक ना, आपको बता देगा ये है वो है वो है कुछ नहीं। 32 इंच जो है 80 सेंटीमीटर सेम टीवी हम लोग देखने गए ऑनलाइन में, ऑफलाइन दो ब्रांड उसके पास भी था, ऑनलाइन में भी दो ही टाइप का शो कर रहा है और दोनों का प्राइस जो है 1,000 रुपए का अंतर है नियो में और रियलमी का। एक जो टीवी था स्मार्ट एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी था तो वो दोनों में, और एमआई का टीवी था तो 1,000 रुपए का। ऑफलाइन में प्राइस सुनिए उसका कितना है, रियलमी वाले का टीवी का ऑफलाइन 13,000 और 15,000 और यहाँ पर है 9,000 और 10,000, ठीक है। और क्रोमा में जब गए तो क्रोमा में तो लग रहा उसका जो एग्जीक्यूटिव है जो वो चढ़ जाएगा, लग रहा आदमी पर जबरदस्ती खरीदवा देगा, एकदम डिलीवरी करवा देगा आज ही। इसीलिए दूसरा ये लोग का जो ये लोग जो छोटा माइंडसेट वाला काम करता है ना, ये फुटपाथ में कैसे चिल्लाता है लोग, यहाँ ले लो हाथ पकड़ के घुसा देता है दुकान में। इसीलिए मैं दुकान में जाके लेना ना आप थोड़ा मतलब मुझे पसंद नहीं, ऑनलाइन लेना ही सही लगता है, इसीलिए आप ऑनलाइन से ले लेंगे क्या करेंगे। ऑनलाइन में क्या है कि आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो, आप अपने मतलब क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करने के लिए आप वो चीज देख को और ले सकते हो देख करके। अब हम ऑनलाइन ही लेंगे, देखो देखिए हम सबको बता दे कि ऑनलाइन लेने में एक समस्या है कि आप देखिए आपको कुछ प्रोसीजर को जो है फॉलो करना पड़ता है। आप सोचिए कि मोबाइल लेना और टीवी लेना एक समान नहीं है। हाँ। मोबाइल लेने में घर में आ गया आपका डिलीवरी कंफर्म हुआ, ओटीपी बताए, मोबाइल आपका चलाइए आराम से। और लेकिन मोबाइल लेने में क्या है, वारंटी सिर्फ 1 साल का ही रहता है। टीवी जो है ना एक अलग
अप्लायंस हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, ठीक ना। टीवी क्या है कि टीवी आप लेते हैं तो पहले इसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है कि जो डिलीवरी बॉय है खुद आप खोल के रूम तक ले जाके रखेगा। आपको टीवी को नहीं खोलना है। आप अगर टीवी खोल के इंस्टॉल कर दिए तो आपका वारंटी फेल हो जाएगा, वारंटी काम नहीं करेगा। जो ब्रांड का टीवी आप लिए हैं वो ब्रांड वाला ही आ करके इंस्टॉल करेगा घर में, और अगर वही इंस्टॉल करता है तभी काम करेगा, दूसरा वाला अगर इंस्टॉल करता है तो काम नहीं करेगा। इसीलिए खुद से टीवी इंस्टॉल करने की गलती ना करें। अगर आपने, आपको डिलीवर हुआ टीवी ऑनलाइन से, आपने खुद से इंस्टॉल कर दिया, आपका वारंटी इशू नहीं होगा। इसीलिए ऑनलाइन में लेने में मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था, इसीलिए मैं ऑफलाइन से लेने गया था। प्राइस जो है मुझे वो ज्यादा लगा, वरना कैश तो हम लोग लेके गए थे, सोचे थे कि आज ले ही लेंगे, पर अब क्या कर सकते हैं, फिर बुक करेंगे, दो चार दिन वेट करेंगे टेक्नीशियन का, नहीं आएगा हाँ। तो फिर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट मारेंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन के भी मतलब कुछ फायदे कुछ नुकसान है, और ऑफलाइन के तो भाई कुछ नुकसान कुछ फायदे तो सबके अपने अपने, लेकिन आप क्या प्रीफर करते हो ये कमेंट में जरूर से आप बताना। मेन बात क्या है ना कि जब हम लोग को पहले के बच्चा थे तो कोई कंपनी वाला फोन करता था तो बड़ा अच्छा लगता था कि वहाँ से लड़की बात कर रही है, ठीक है ना, मतलब अच्छा लगता था, बड़ा ही रिस्पेक्ट से उससे बात करते थे, कुछ भी नियम वो लोग पढ़ा देता था। बैंक वाला SBI का तो पैर पकड़ने का मन करता था, लगता था कितना बड़ा बाबू है। पर जब हम लोग का नॉलेज हुआ तब हम लोग जो है जो सामने वाला जो एग्जीक्यूटिव है उसको ही हाथ उठा देते हैं, वही अब थोड़ा संभाल के बात करता है, केयरफुली बात करता है, कुछ भी नहीं बोल देता हवा में, क्योंकि अब नॉलेज हो गया है। इंडिया के ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या है, सबको कुछ पता नहीं है चीजें तो लोग जो है कर नहीं पाते। अगर नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा ना दुनिया में ठगबाजी घोटालेबाजी हटेगी। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और चला पहले जो बात बोले वो गलत बोले, बी स्मार्ट बाय स्मार्ट और बाय ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट में जो जिंदाबाद, कपड़ा लेना है मीशो से लीजिए, तो गलत अफवाह है, कपड़ा फटा हुआ देता है, गलत अफवाह है, कपड़ा सही आता है। गलती तो इंसान से भी होता है भाई। तो चलो गाइस इसी के लिए आपको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार।